सरोजनी में कितना भी ध्यान लगा के कपड़े देखो, कुछ ना कुछ डिफेक्ट घर आके निकल ही जाता है। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. After ages, I'm saying this line and I'm so happy when I say this because this is a Sarojini Nagar haul video. इतना बड़ा कोई haul नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके बैठे हो कि मैं बहुत fancy चीज़ें लेके आई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहले बता देती हूँ, मुझे कुछ watch time बढ़ाने का शौक नहीं है। मेरे लिए इस बार Sarojini थोड़ा सा disappointing रहा है। मैं आगे जाके videos में आपको धीरे धीरे बताऊंगी क्यों, क्या, कैसे, कि किस point पे क्या चीज़ों ने मुझे disappoint किया, तो मैं साथ आपको बताती रहूंगी। दिस इज अ मिक्स ऑफ टूर प्लस हॉल। मैं साथ साथ आपको कलेक्शन भी दिखाऊंगी सरोजनी में क्या क्या मिल रहा है, प्लस मैंने क्या परचेज किया। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा कशिका ज्ञान से भरी होगी, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। जस्ट इन केस आप यहाँ पे नए आए हो, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या नाउ लेट्स गो। लिटरली चार दिन से ऐसा ही रखा है। मैं मंडे को सरोजनी गई थी और तब से बैग ऐसे कैसे रखा है, मैंने खोल के भी कुछ नहीं देखा। अब थोड़ा सा पेशेंस लेवल आ गया है। पहले बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, कुछ भी लाते इतना फटाफट आके ट्राई करते थे, देखते थे। आई डोंट नो, जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ा सा अंदर एक ठहराव आना शुरू हो जाता है कि चलो जब हॉल बनाएंगे तब देखेंगे, तभी ट्राई करेंगे। तो मैंने कुछ भी अभी ट्राई नहीं किया। मैं जब इनके ट्राई ऑन पार्ट शूट करूंगी, मैं थोड़ा बहुत रिव्यू वहां पर भी दे दूंगी। सो या स्टार्ट करते हैं हॉल के साथ। एंड इस बार सरोजनी मैं गई थी मंडे को, सो सबसे पहले डाउट ये भी क्लियर कर देती हूँ कि क्या सरोजनी मंडे को खुला होता है। बिकॉज पहले यही होता था, कहते थे सरोजनी बंद होता है मंडे को। अभी भी आप गूगल करोगे ना, एज अ टूरिस्ट अगर आप दिल्ली में आओगे, काफी लोग दिल्ली से बाहर जो दिल्ली में आते हैं घूमने, वो स्पेसिफिकली सरोजनी के लिए भी आते हैं। सो वो गूगल करते हैं, गूगल पे आता है मंडे इट इज क्लोज, बट ट्रस्ट मी इट वॉज नॉट एट ऑल क्लोज। मुझे भी यही लगा कि मंडे जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती है ना, वो बंद होती होंगी और उसके बाहर से नीचे ऐसे लोग फ्लिए मार्केट्स लगा के बैठे होते होंगे, बट अब ऐसा नहीं है। वो सारी बड़ी बड़ी शॉप्स भी खुली थी, सारे फुटवेयर के स्टोर्स खुले थे, लाइक किन्स, टेलेटोज, ये जितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं ये मंडे को भी खुले हुए थे और प्रॉपर मार्केट लगी हुई थी। हर कोई प्रॉपर जैसे बैठता है वैसे ही बैठा था। मैंने किसी सेलर से भी पूछा था कि मंडे पहले बंद होता था ना, ही सेड अब बिल्कुल बंद नहीं होता, अब 7 के 7 दिन सरोजनी खुलता है। बिकॉज ऑब्वियसली सरोजनी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यूट्यूब पर इतना फेमस हो गया, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से दिल्ली के बाहर से सरोजनी में आते हैं। सो या मंडे को भी सरोजनी ओपन होता है। एक या दो शॉप्स कुछ ऐसी होंगी जो मंडे रेस्टिंग डे रखती है अपना, जो अपने आप को बंद रखती है, अदरवाइज पूरा सरोजनी मंडे को ओपन था। और सरोजनी जाने का सबसे बेस्ट टाइम यही होता है, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे अवॉइड करना। कोशिश कर सकते हो तो थोड़ा वर्क फ्रॉम होम ले लो, छुट्टी लेके सरोजनी चले जाओ, लेकिन सैटरडे संडे कभी मत जाओ। बिकॉज सैटरडे संडे इतना रश होता ना, और ऐसी रश वाली मार्केट में अगर आप जाओगे आप आगे नहीं कर पाओगे, आपको सामान कुछ नहीं दिखने वाला। बिकॉज सरोजनी भी क्या है, वहां पे हैंग से ज्यादा ना ऐसे पाइल्स रखे होते हैं कपड़ों के, वो एक्सपोर्ट का सारा सरप्लस का सामान होता है, तो ऐसे पाइल्स बना बना के रखते हैं। और जब तक वो नहीं दिखाएंगे ना आपको, आपको समझ नहीं आने वाला। और जब आप बहुत ज्यादा भीड़ में जाओगे ना, सो देयर आर चांसेस वो आपको शायद एंटरटेन नहीं करेंगे अच्छे से, वो दिखाएंगे भी नहीं। तो कोशिश करो ऐसे मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे मॉर्निंग के टाइम पे जाओ। मैं इस बार लेट हो गई थी, आई थिंक दैट इज अ रीजन वाई मैं इतने पीसेस पिक नहीं कर पाई। बिकॉज जितना लेट जाओगे शाम हो जाएगी, और शाम होते होते ना फिर आपको चीजें दिखती नहीं है, बिकॉज वहां पे ऐसे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, इतनी कोई हाई फाई लाइटिंग नहीं होती। एंड मोस्ट ऑफ द सामान जो होता है वो सरप्लस का, एक्सपोर्ट का, काफी सामान डिफेक्टिव भी होता है, तो आपको एक एक चीज ध्यान से देखनी होती है, आपको लिटरली अच्छे से देखना होता है एक एक नुक्स एंड कॉर्नर को, अदरवाइज कोई ना कोई डिफेक्ट आपको दिख ही जाएगा। सो सुबह सुबह जाओ ताकि दिन का आपके पास अच्छा खासा टाइम हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा ऑर्डर में चलने की कोशिश करूंगी कि जहां से हमने अपनी सरोजनी की जर्नी शुरू करी वहां से हमने क्या लेना शुरू किया। सो मेट्रो स्टेशन से उतरते ही ना बहुत सारे ऐसे लोग नीचे बैठे हुए थे, इयररिंग्स रखे हुए थे। एक के पास सारे बोहो, जो टार्निश सिल्वर वाली ज्वेलरी नहीं होती वो वाली इयररिंग्स थे, 100 के 5 वो इयररिंग्स दे रहे थे, वो छोटे झुमके जो आते थे। मैंने अपने कॉलेज टाइम में वाले झुमके बहुत पहने हैं, बट वो वाले मुझे नहीं चाहिए थे। तो थोड़ा सा और जाके मुझे एक शॉप दिखी जहाँ पे 50-50 रुपीज में ऐसे वाले मिल रहे थे। यस, दिस वॉज फॉर 50। काफी हो गए तो रेट में भूल भी गई, मुझे अच्छे से याद करना पड़ेगा, बट या दिस वॉज फॉर 50। सो मैंने बोहो इयररिंग्स लिए, आई लव देम, काफी प्रिटी। यहाँ पे पर्ल का ऐसे डॉट लगा हुआ है और ये सारा वो क्रोशे क्या होता है, वो थ्रेड वर्क जैसा होता है ना, ये बिल्कुल वैसे वाला वर्क है। अगर कहीं घूमने जा रहे हो बीच लुक के लिए शॉपिंग करनी हो तो ये काफी अच्छा लगता है। मेजरली मैंने जितनी चीजें ली है वो सारी बीच लुक्स के लिए ली हैं, बिकॉज वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा जब मैं जाऊंगी, बट या आपको आइडिया दे देती हूँ, दीज आर ऑल बीच लुक स्पेसिफिक थिंग्स। इस बार पूरा टूर नहीं शूट कर पाए, बिकॉज एक तो बहुत ज्यादा क्योस भी हो जाता है, सेकंड लॉट ऑफ पीपल डोंट अलाउ शूटिंग। मतलब आजकल तो काफी सेलर्स ऐसे हो गए, प्लीज शूट मत करो, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स आजकल क्या करते हैं, वहां जाके ऐसे वीडियो बनाते हैं और जितने भैया कपड़े बोलते हैं ना उसे हाफ रेट में अपनी वीडियो में बता देते हैं कि यहाँ पे 100-100 रुपए के कपड़े मिल रहे हैं। फिर लोग वहां जाते हैं, लड़ते हैं उन भैया से कि यहाँ पे 100-100 रुपए के हमें कपड़े दो बिकॉज हमने वीडियो में देखा है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे जो सेलर्स है ना फिर वो गुस्सा कर जाते हैं, वो मना करते हैं कि वीडियोस मत बनाओ। तो इयररिंग के बाद अब हम मेट्रो स्टेशन की तरफ से गए थे, हम मेट्रो स्टेशन उतरे सरोजनी।
बाय द वे इफ यू डोंट नो, सरोजनी नगर का प्रॉपर अपना मेट्रो स्टेशन बन गया है. पहले हम एक था आईएनए उतरते थे, फिर वहां से ऑटो करते थे, अब डायरेक्ट मेट्रो है. बिल्कुल आप सरोजनी नगर उतरोगे, बाहर निकले और सामने मार्केट है, विच इज लाइक अ ब्लेसिंग. इट इज ऑन पिंक लाइन बाय द वे, आप गूगल भी कर सकते हो. पिंक लाइन मेट्रो की वो वाला रूट पड़ता है, सो आपका जहां से भी कनेक्टिविटी है लाइन चेंज करके आप डेफिनेटली जा सकते हो. मेट्रो इज बेस्ट वहां जाने के लिए, अदरवाइज कैब ऑटो आपको जैसे जाना है आप वहां जा सकते हो. तो सरोजनी जब एंटर करते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेट जाती हूँ, लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ती. आप सरोजनी मार्केट में जब गेट से सीधा एंटर करोगे, आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है. जहां तक ग्रेफिटी लेना ना, वहां तक ऐसे सीधे चलते रहते हैं. तो बीच में एक शॉप आई थी कुर्तीज की, जिनका शॉर्ट कुर्तीज थी, एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे उनको पता ही है आई लव शॉर्ट कुर्तीज. आई डोंट नो, आई हैव सम लव फॉर शॉर्ट कुर्तीज. मेरी ना हाइट बहुत छोटी है, आई एम ऑलमोस्ट 5'1", तो मेरे पे ना लॉन्ग कुर्तीज अच्छी नहीं लगती. मैं जीन्स के साथ, पेंसिल वाली जीन्स या लूज वाली जीन्स हो गई, मुझे बैगी जीन्स के साथ शॉर्ट कुर्ती बहुत अच्छी लगती है. मेरा कॉलेज टाइम का फैशन है जो अभी तक चेंज नहीं हो रहा. मैं शादी के बाद भी जीन्स या शॉर्ट कुर्तीज ही पहनती हूँ. आई फाइंड इट वेरी कम्फी. गुरुद्वारे जाना हो, कहीं ग्रोसरी रन के लिए जाना हो, या फिर कहीं भी जाना हो, या घर में एकदम कोई गेस्ट आ जाते हैं, यू नो आफ्टर मैरिज घर में एकदम कोई गेस्ट आ गया, आपको प्रॉपर सूट नहीं डालना, तो आपने फटाफट से एक शॉर्ट कुर्ती डाल ली एंड यू आर गुड टू गो. सो उन भैया के पास बहुत अच्छी शॉर्ट कुर्ती थी. ये आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, चिकनकारी वर्क और थ्रेड वर्क समथिंग. सो ये मुझे बहुत सुंदर लगी. पर्पल था, वाइट, ब्लैक, ब्लू, डार्क कलर भी थे, लेकिन मुझे समर के हिसाब से एक समरिश कलर चाहिए था. तो ये कुर्ती कुछ इस तरह से दिखती है. मैं इसका जो ट्राई ऑन शॉट है वो भी डाल दूंगी. वेरी वेरी नाइस. भैया ने मुझे प्रॉमिस किया है कि इसका कलर नहीं निकलेगा. मैं लिटरली 2 बार पूछा था भैया से, प्लीज बताओ इसका कलर निकलेगा, बिकॉज काफी बारी जो डार्क वाला थ्रेड होता ना, ये कलर छोड़ देता और फिर कुर्ती खराब हो जाती है. ई सेट नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके कलर नहीं निकलेगा. सो यहाँ पर बहुत अच्छा नेकलाइन पे वर्क है, नीचे भी वर्क है, मतलब नीचे ऐसा नहीं कि प्लेन है, नीचे भी यहाँ पे बॉर्डर पे कितना सुंदर इस पे काम दिया हुआ है. देन इसकी स्लीव्स पे भी काम है, वेरी वेरी प्रिटी. ये मुझे मिली है 250 रुपीज में, और ये फ्लैट रेट होते हैं. ये जो अपने स्टैंड पे लगा के रखते हैं ना कपड़े, इसका कोई डिडक्शन नहीं होता, इट वॉज फ्लैट रेट. सो या ये 250 की मिली है, नो बार्गेन एट ऑल. इनमें साइजेस भी थे, जो एस था वो बहुत ही ज्यादा टाइट था, वो लिटरली एक्सेस लग रहा था. सो मैंने मीडियम साइज ले लिया कि चलो थोड़ा लूज है, इजी ब्रीजी अच्छा रहेगा. इसी शॉप के आसपास एक शॉप है जहां पर बैग्स मिलते हैं, और वो बैग्स ऊपर जाके मिलते हैं. सो लिटरली आपको बोलेंगे ऊपर जाइए, सारे बैग्स ऊपर मिलते हैं. हम वहां पर भी गए थे, मुझे एक बैग पसंद भी आया था, बीची बैग था काफी, एकदम चटाक ग्रीन कलर का. मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी, बट देन आई वॉज कन्फ्यूज कि लू ना लू, बिकॉज वोली शॉप के फ्लैट रेट थे. उन्होंने 300 या 200 समथिंग लिखा हुआ था उस बैग का. लेट मी चेक, आई थिंक वो ग्रीन वाला बैग वॉज अराउंड, मैंने पिक्चर भी ली थी, या दिस वन वॉज फॉर 200 रुपीज. कैन यू सी, ये ग्रीन कलर का बैग था. बट देन आई वॉज लाइक, देखते हैं आगे जाके, बिकॉज जब स्टार्टिंग करो ना किसी मार्केट में आप घुसते, तो लगता है कि चलो आगे देखते हैं, क्या पता बेटर डील मिल जाए. लेकिन सरोजनी में ऐसा नहीं है, आपको जो जहां पसंद आना ना ले लो, ऐसा नहीं है कि बेटर डील आपको मिलने वाली है. बिकॉज आते वक्त क्या है, सरोजनी नगर जो है थोड़ा यू शेप में मार्केट है, आते वक्त फिर आप कहीं और ही एग्जिट करते हो, फिर रह जाता है. तो मेरा वो ग्रीन वाला बैग रह गया, मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी लेके आऊंगी. आई लाइक इट वेरी मच. नेक्स्ट अप वी हैव अ नाइट सूट सेट. सो सरोजनी नगर में ना ये वाले ऐसे कॉट सेट्स मिलते हैं, नाइट सूट वाले हर जगह मिलते हैं. मैंने ये लिया था ऑलमोस्ट लास्ट में आते आते, बाहर आते वक्त मैंने लिया था, जो जूस की एक शॉप है काफी फेमस, वहां पे एक जूस की शॉप है, उसके जस्ट साइड में एक भैया बैठे हुए थे. मैं आप एक वीडियो भी इंसर्ट कर दूंगी, एक शॉप के ऑपोजिट ये शॉप पड़ती है. सो मैंने ये वाला उनसे सेट लिया, ये काफी यूनिक लगा. मैंने, मेरी फ्रेंड ने जब देखा, वी लाइक इट वेरी वेरी मच, बिकॉज बाकी जहां पर भी मिल रहे थे वो वही चिकनकारी वाले, कॉटन वाले, पतले पतले मिल रहे थे, लेकिन ऐसा ब्लैक प्रिंट का मुझे बहुत सुंदर लगा. सो दिस इज द शॉर्ट्स बाय द वे, ब्लैक कलर की पूरी शॉर्ट्स है, काफी इजी ब्रीजी. ये सारी फ्री साइज में आती है बाय द वे. थोड़ी सी सरोजनी नगर की आपको रियलिटी बता देती हूँ कि ये कपड़े सस्ते क्यों होते हैं, बिकॉज ये चीजें हमें जब बड़े हो जाते हैं तब रियलाइज होती है. हम कॉलेज टाइम में तो अंधे होके ले लेते थे सब कुछ, ये भी अच्छा लगता है, 200 का है ले लो, 200 में सेट मिल रहा है ले लो. बट देन जब आप ध्यान से देखोगे, इनमें यहाँ पे ना जोड़ लगे होते हैं, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिचिंग जा रही है. सो ये बेसिकली एक जोड़ लगा हुआ है, ये 2 अलग अलग पीसेस को इन्होंने ज्वाइन करके एक शॉर्ट्स बनाई हुई है. सो इफ यू आर कंफर्टेबल, लाइक मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट सूट सेट है, इधर उधर पहन लिया, कहीं घूमने फिरने गए, रिजॉर्ट में रात को पहन लिया, गुड टू हो. बट मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं तभी ये सस्ते होते हैं. सो ये शॉर्ट्स है, बेसिकली इलास्टिकेटेड शॉर्ट्स है, काफी लूज है. एंड दिस इज द स्पेगेटी टॉप. ये फ्री साइज आते हैं, इनमें कोई साइज नहीं आता, ये फिट टू ऑल सॉर्ट ऑफ होते हैं, लार्ज या मीडियम तक तो फिट आ ही जाएंगे. दिस इज द टॉप, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, लाइक इफ यू सी द थ्रेड वर्क, बहुत सुंदर और नीट थ्रेड वर्क है. सरोजनी में जब भी शॉपिंग करो ना, एक एक चीज को ध्यान से देखो. देखो ये तो प्रॉपर स्टिच वाले सामान होते हैं, ये सरप्लस का सामान नहीं है. जो एक्सपोर्ट और सरप्लस वाला होता है वो अलग है, मैं आपको दिखा दूंगी. ये उनके स्टिच वाले सामान होते हैं, तो इसमें डिफेक्ट के बहुत कम चांसेस होते हैं. ओनली थिंग, इनमें जोड़ वगैरह लगे होते हैं. लेकिन जो आप एक्सपोर्ट का सामान लोगे ना, उसको प्लीज अच्छे से चेक करना. इसलिए मैंने बोला मॉर्निंग में जाओ, बिकॉज इवनिंग होते होते अंधेरा हो जाएगा और आपको वो छेद वेद कुछ नहीं दिखेंगे. फिर घर जाके लगता है अरे यार 200 का भी लाए तो फटा हुआ लेके आ गए. सो यार जब भी शॉपिंग करो, यूज योर
brains wisely. Coming to the next item that I was very very excited about, the only thing I can confidently say कि आपको सरोजनी definitely जाना चाहिए is bikinis. इस time सरोजनी में बारिश हो रही है bikinis की, इतनी अच्छी अच्छी bikinis मिल रही है ना, and trust me bikini ऐसी चीज़ है जो आप H&M जाओगे, कोई भी high end brand जाओगे तो आपको 2,500-4,000 से कम नहीं मिलने वाली. and अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो, आपका कोई कॉलेज का ट्रिप है या फिर फैंसी कोई ट्रिप पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका इतना बजट नहीं होगा 4,000-5,000 की बिकनी लेने का, तो डेफिनेटली आप सरोजनी जा सकते हो. सो मंडे का दिन था, वो भैया ने ना अपना पूरा ऐसे बांध के रखा हुआ था, सो मैंने एक दो पीसेस देखे मुझे अच्छे लगे, एंड देन आई वाज लाइक भैया कुछ और दिखाओ अगर आपके पास रखा है तो. ही सेड मेरे पास पूरा एक अंदर रखा है बोरा टाइप जो होता है. सिंस मंडे था तो उन्होंने खोला नहीं था, सो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए वो खोला, और जैसे ही खोला लोगों की भीड़ आ गई लिटरली. सो वो खुलते ही मुझे दो पीसेस पसंद आ गए. ये तो हैंग था, ये पीस मुझे हैंग में पसंद आ गया था, दूसरा वाला मैंने उसमें से निकाला था. सो दिस इज द नंबर वन पीस. नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली अ बिकनी, यू कैन से ये बॉडी सूट है. बॉडी सूट क्यों? बिकॉज जो बॉडी सूट होते हैं उनका जो बटलाइन होती है ये थोड़ी सी अलग होती है. सो बॉडी सूट्स बेसिकली क्या होते हैं, आप इनको ऐसी पहनो एंड देन यू कैन वेयर योर जीन्स विद इट. इससे क्या होता है, जो टक्ड इन लुक आती है, काफी बार जब आप ऐसे टॉप पहनोगे ना तो बार बार निकलते रहते हैं, उस पर क्रीज आ जाती है, लेकिन जो बॉडी सूट होता है वो नीचे से लॉक्ड होता है तो बहुत एक अच्छी लीन लुक आती है. बट आई माइट वेयर इट एज अ बिकनी ऑल्सो, बिकॉज जब भी बीच ट्रिप पे जाओ ना, कहीं बीचेस पे जाओ घूमने फिरने जाओ, तो बीचेस के लिए एकदम सही रहती है. ऐसे डायरेक्टली पहन लिया, इसके ऊपर शॉर्ट्स डाल ली. ये है लेपर्ड प्रिंट जो मुझे काफी क्लासी लगा, मतलब दिस सीम्स लाइक अ नाइस H&M ज़ारा पीस वैसा लगता है ये, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे. सेकंड पीस दैट वी पिक्ड अप इज दिस वन, वी एज इन मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड. मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई थी, सो उसकी भी चॉइस काफी अच्छी है, वो काफी हेल्प करती है मुझे अच्छे अच्छे पीसेस पिक करने में. सो ये उसने पिक किया था. सो इसकी नेकलाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इट हैज अ हॉल्टर नेकलाइन यू कैन से. यहाँ पे ऐसे नॉट बंधेगी, ये नॉट बंधने वाला पीस है. देन दिस हैज दिस पर्टिकुलर थिंग, पूरी पैडेड है बाय द वे, और अच्छी क्वालिटी का पैड है. दीज आर नॉट चीप क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की बिकनीज है. देन इट हैज दिस नेट डिटेलिंग गोइंग ऑन हेयर, ताकि ये पूरा ऐसे कवर्ड हो जाए. दीज आर मोनोकनीज, यू कैन ऑल्सो से, टू पीस नहीं है, मोनोकनीज है. एंड या दिस इज द लोअर पीस, दिस इज एक्चुअली प्रॉपर बिकनी, बिकॉज इसका जो बट एरिया है ये प्रॉपर कवर कर रहा है. सो जब भी आपको डिफरेंस देखना ना कि बिकनी में और एक बॉडी सूट में क्या डिफरेंस होता है, बॉडी सूट का जो बट एरिया होता है वो बहुत पतला होता है, बिकॉज वो जीन्स के नीचे ऑब्वियसली पहना जाता है एज अ अंडर गारमेंट, लेकिन जो बिकनी होती है उसका जो पीछे का बट एरिया होता है वो पूरा कवर्ड होता है. सो दिस वन इज लाइक प्रॉपर कवर्ड. अगर आप थोड़े से शाई फील करते हो या फिर आप बिकनी में कंफर्टेबल नहीं हो, आप नए नए कहीं हनीमून पे जा रहे हो, बीचेस पे जा रहे हो, आपको फर्स्ट टाइम बिकनी ले रहे हो, तो ऑलवेज चेक द बट एरिया. जो पीछे का बट एरिया है ना, ये अच्छी तरह कवर्ड होना चाहिए सो दैट यू ऑल्सो फील कंफर्टेबल. तो ये दो बिकनीज मैंने ली थी. दिस वॉज बाय द वे नियर बाय बिक्सी, बिक्सी के सामने थोड़ा सा और आगे जाके ऑपोजिट साइड एक भैया बैठे हुए थे, मैंने वहां से ही ली थी बाय द वे. शॉप नंबर मुझे एक्जैक्टली नहीं याद, आई एम रियली बैड विथ शॉप नंबर. मैं शॉपिंग में इतनी बिजी हो जाती हूँ, मैं लोगों के शॉप नंबर नहीं पूछती, बट इस टाइम बिकनी आपको हर एक शॉप पे मिल रही है, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी. सो भैया स्टार्टेड विथ 500-600 समथिंग, कि मैं 600 की दो दूंगा, एंड आई वाज लाइक सरोजनी है, 600 की दो तो मैं लेने नहीं वाली. सो फाइनली वो आते आते 400 पे आए, फिर मैं थोड़ा सा चली गई, जो सरोजनी की ट्रिक होती है थोड़ा सा आके चले जाओ तो वो रेट कम कर देते हैं. सो फाइनली ये केम डाउन टू 350. ही सेड मंडे है इसलिए सस्ता दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतना सस्ता नहीं देता. सो उन्होंने मुझे धमकी भी दे दी थी कि थोड़ा सस्ता इसलिए लगाया कि मंडे है. सो या अगर थोड़ा सस्ते कपड़े चाहिए आप मंडे जा सकते हो, बिकॉज मंडे उनको पता है लोग इतने नहीं आ रहे, उनको भी अपना काम चलाना है, थोड़ी सी बोनी करनी है, थोड़ी सी सेल करनी है, तो वो 50-60 कम कर देते हैं. तो 350 रुपीज में मुझे मिली दो बिकनीज. 175 फॉर ईच बिकनी इज नॉट एट ऑल अ बैड डील, ये तो लिटरली इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलने वाली. These two are steel deal. पूरे हॉल में सबसे फेवरेट मेरी यही है. ओके नेक्स्ट आइटम इज ऑल्सो यू कैन से बीची बीची आइटम. कहाँ गया? ओह हियर इट इज. सो ये भी मेरी फ्रेंड का आइडिया था, उसी ने मुझे आइडिया दिया था कि अच्छा तुझे इफ यू फील वेरी शाइन बिकनी लाइक, मैं उसको बता रही थी कि यार मैं बाहर जैसे जाते हैं, हम कई कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, मैं बिकनी तो पहन लेती हूँ, बट देन आई डोंट अपलोड पिक्चर, बिकॉज ऑब्वियसली आई फील शाई. ऐसे कोई बिकनी में अपनी पिक्चर तो अपलोड करेगा नहीं, फिर मैं वो हाफ पिक्चर डालती हूँ या फिर नीचे शॉर्ट्स पहन लेती हूँ. सो शी टोल्ड मी कि ऐसे काफ्तान ले, अच्छा लगता है, मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा. फिर मुझे याद आया इंस्टाग्राम पे कि हाँ सारे इन्फ्लुएंसर्स यही करते हैं, बिकनीज के ऊपर ऐसे काफ्तान ऑल डाल लेते हैं, देन यू कैन ईजिली अपलोड पिक्चर्स बिकॉज उसमें कंफर्टेबल भी रहता है. तो ये काफ्तान लॉन्ग वाला लिया है, ये मैंने लिया है एब्रॉल सन के सामने, बिल्कुल जस्ट सामने एक शॉप है, पूरा एक अंदर जाके बहुत लंबी सी शॉप आती है एब्रॉल सन के ऑपोजिट, उसके स्टार्टिंग में बिल्कुल भैया बैठे हुए थे. सो ये डिस्प्ले में लगा हुआ था पीस, लेकिन जो डिस्प्ले वाला पीस था उसमें यहाँ पर बहुत बड़ा ऐसे स्पॉट आया हुआ था. सो मैंने बोला इसका कोई फ्रेश पीस होगा, मुझे लग नहीं आता फ्रेश होगा, बिकॉज आई थॉट ये सरप्लस वाले पीस हैं जो एक्सपोर्ट वाले होते हैं, सरप्लस वाले होते हैं, उसमें फ्रेश ऐसे एक और पीस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज ये सारे सिंगल सिंगल पीसेस ही होते हैं. बट सरप्राइजिंगली ही सेड मेरे पास इसका फ्रेश पीस है, उन्होंने मुझे अंदर से निकाल के नए पैकेट में से निकाल के दिया.
सो दिस इज मोर लाइक अ काफ्तान टॉप. अब इसका फायदा क्या है, मैं इसको यहाँ पर नॉर्मली भी पहन सकती हूँ, लाइक इसको जीन्स के साथ पहन लिया, नीचे स्पेगेटी डाल ली, एज अ कुर्ता टॉप इसको पहन सकती हूँ. यहाँ पर बहुत अच्छी डोरी भी दी हुई है, इट हैज अ डोरी ओवर है जो कुछ नहीं करती है, एज सच को टाइट लूज नहीं करेगी, खाली फैशन के लिए दी है. सो यहाँ पर इलास्टिक है ताकि एक अच्छी फिटिंग आ जाए, एंड लेंथ भी इसकी काफी अच्छी है. सिल्वर का तारो वाला काम है, लाइक कैन यू सी इट्स ऑलमोस्ट शाइनिंग, शाइनी शाइनी ऐसे काम हुआ हुआ है. सो ये मुझे मिला 200 रुपीज का. अगेन ही स्टार्टेड ऑफ एट 350 समथिंग, मतलब जितना भी बोले आप 100-200 बोलो, अगर आ गए तो आ गए, अदरवाइज फिर ले लो यार जितने भी मिल रहा है. वो 200 पे आ ही गए थे, मंडे जाने का फायदा हुआ 200 पे वो आ गए थे. सो या आई गॉट दिस वन फॉर 200, नॉट ऑल अ बैड. नेक्स्ट अप इज अनदर स्टील डील, ये मैंने लिया है उनके 80 रुपीज वाले स्टॉल से. सो सरोजनी में आपको बहुत सारे ना ऐसे स्टैंड दिखेंगे जहाँ पे 50-80 रुपीज में चीजें लगी होती हैं. अब उनमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप डिफेक्ट फ्री और साफ सुथरा पीस निकाल लो, बिकॉज या तो उसमें कुछ ना कुछ गंदा लगा होगा, कोई स्पॉट लगा होगा, कुछ ना कुछ खराब हो रखा होगा, या फिर वो डिफेक्टिव होगा, तभी वो 50-80 में बेच रहे हैं. अगर वो पीस अच्छा होता ना तो बड़े क्लेवर होते हैं, वो अपनी शॉप पे 200-250 से कम वो नहीं बेचते. सो या दे आर क्लेवर लाइक दैट, बट कभी कभी लग अच्छा होता है, आपको फ्रेश और अच्छा पीस भी मिल जाता है. सो मुझे ये 80 रुपीज वाले स्टॉल से मिला है. ये है बेसिकली व्हाट यू से क्रोशे का एक पूरी एक शॉर्ट ड्रेस है, यू कैन से अगेन इन व्हाइट कलर. ये भी मैंने अपनी बीच ट्रिप के लिए लिया है. जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो कह रहे होंगे क्या बीच ट्रिप के कपड़े लेके आ गए, बट मैं आपको एक रूल बताती हूँ. देखो एवरीडे बेसिस पे जो आप कपड़े पहनते हो ना, यू कैन बाय इट गुड क्वालिटी, बिकॉज आपको वो बार बार पहनना है, वॉश करना है. तो अगर आप लो क्वालिटी लोगे तो आपको भी दुख होगा कि यार उसको वॉश किया खराब हो गया या उसमें डिफेक्ट आ गया. सो वो आप अच्छी क्वालिटी के ले सकते हो बिकॉज यू वेयर इट मल्टीपल टाइम. लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हो बीच एरियाज में, लाइक मेरा ये रूल है, मैं जो बीचेस के लिए कपड़े लेती हूँ ऑब्वियसली मैं डेली में तो पहन के घूमूँ ही नहीं. सो आई प्रेफर बाइंग दोज एट अ चीपर प्राइस, बिकॉज वो चीज़ मुझे अगर डेली में बार बार नहीं पहननी तो मैं फालतू में महंगा उस पर खर्च नहीं करती. आई बेटर स्पेंड दैट मनी ऑन थिंग्स मैं बार बार पहनती हूँ. सो जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं ऐसी सस्ती सस्ती मार्केट में जाकर सस्ते कपड़े ले आती हूँ, वहाँ पर एक दो बार पहने एंड दैट्स इट. साल में एक या दो बार से ज्यादा कोई इंटरनेशनल ट्रैवल ऐसे भी नहीं करता है. सो मैंने ये मेश ड्रेस ली है, इट हैज डिवाइडेड रिटन ओवर इट बाय द वे. डिवाइडेड जो है H&M की ब्रांड है, इफ यू डोंट नो, H&M में जो कपड़े मिलते हैं वो ये डिवाइडेड के मिलते हैं. दिस इज इन द साइज 38 एंड मुझे टाइट लग रहा था, बट आई थिंक आ ही जाएगा बिकॉज थोड़ा बहुत तो जिम मैं भी कर रही हूँ. ये अगेन मैंने बिकनी के ऊपर पहनने के लिए लिया है, लाइक इफ यू वेयर अ नाइस बिकनी टॉप, नीचे शॉर्ट्स पहनी हूँ, ये ऊपर काफी अच्छा लगता है. सरोजनी में कितना भी ध्यान लगा के कपड़े देखो, कुछ ना कुछ डिफेक्ट घर आके निकल ही जाता है. दैट इज द रीजन वाई मैं काफी बार इतने कपड़े नहीं लेती. सो यार इसमें भी मैंने इतने अच्छे से देखा कि कोई डिफेक्ट नहीं होगा. सो अभी निकला है, मैंने पहना है तब ये थोड़ा सा खिंच के पता चला कि यहाँ पे हल्का सा डिफेक्ट है, लाइक ये थ्रेड जो है ये टूटा हुआ है. सो मुझे ठीक करना पड़ेगा, देयर इज अ स्मॉल होल ओवर हियर. ये प्रॉब्लम है यार सरोजनी कपड़ों में, कुछ ना डिफेक्ट निकल ही जाता है, बट ठीक है यार 80 रुपीज़ के हिसाब से बुरा नहीं है, वर्क्स फॉर मी. वैसे वो क्रोशे का जो काम होता है, ये थ्रेड वाला जो काम होता है, वो वाला काम है, बहुत सुंदर काम हुआ है. इट इज वेरी नीट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. गॉट दिस वन फॉर जस्ट रुपीज 80, मतलब 80 रुपए में H&M के कपड़े मिल रहे हैं यार, और क्या चाहिए. नेक्स्ट पिक इज ऑल्सो फ्रॉम दैट 100 रुपीज वाला स्टॉल. काफी सारे स्टॉल्स आपको 100 रुपीज वाले भी मिलते हैं और इसमें टैग भी लगा हुआ है, लेकिन टैग कुछ और ब्रांड का और यहाँ पे कुछ और ब्रांड लिखे, मतलब दोनों ब्रांड का आपस में कोई मैच नहीं है, एम ही टैग लगाया हुआ है. सो ये बेसिकली ब्लैक कलर की स्पेगेटी है जो काफी लूज मुझे लग रही है, बट आई थिंक आ ही जाएगी. और ये ब्लैक कलर की है लेकिन थोड़ी थोड़ी शाइनी है, लाइक कैन यू सी, या आप दिख रहा है कितनी अच्छी शाइन आ रही है ना, कितनी सुंदर लग रही है. सो ये बेसिकली मैंने अपने कॉर्ड सेट्स के लिए लिया है. मैं काफी सारे जो कश्माना के कॉर्ड सेट्स पहनती हूँ, रील्स बनाती हूँ, मुझे काफी बार उनको ओपन करके भी दिखाना होता है, लाइक यू कैन स्टाइल इट एज अ जैकेट एज वेल. और मुझे ब्लैक कलर की एक स्पेगेटी चाहिए थी, सो मैंने इसलिए लिया. इट्स लाइक अ वेरी बेसिक स्पेगेटी, आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो. आजकल समर्स में काफी अच्छा स्टाइल चल रहा है, लड़कियां ऐसे स्पेगेटी टॉप के साथ जीन्स पहन लेती हैं बिकॉज कंफर्टेबल होता है, गर्मियां बहुत है. सो या इट्स लाइक नाइस शाइनी शाइनी, और इसका मटेरियल भी अच्छा है, अगेन नो डिफेक्ट एट ऑल. अच्छे से चेक किया था, मुझे तो कोई दिखा नहीं, एंड या वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी पीस. नेक्स्ट अप इज अनदर स्टील डील फॉर रुपीज 100 ओनली. आई थिंक मार्केट का ऑलमोस्ट एंड आ गया था, मतलब एब्रॉल सन से थोड़ा सा पहले एक और स्टॉल लगा होता 100 रुपीज में. वहाँ पे सारी ट्राउजर्स लगी थी, ऐसे पैंट्स लगी होती है ना. सरोजनी इज हेवन फॉर पैंट्स एंड ट्राउजर्स. अगर आपकी जॉब लगने वाली है, आपकी जॉब शुरू होने वाली है, तो आई वुड से सरोजनी नगर जाओ, बिकॉज पैंट्स बहुत अच्छी मिलती है, फॉर्मल वाली पैंट्स मैं बोल रही हूँ. शर्ट्स बहुत अच्छी मिलती है, सरोजनी में इतनी अच्छी अच्छी शर्ट्स थी ना, लेकिन मैंने ली नहीं बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी काफी कश्माना के कॉर्ड सेट्स की भी शर्ट्स रखी थी, एंड अगेन मैं अननेसेसरी होर्ड नहीं करना चाहती थी. कुछ ऐसा यूनिक पसंद आता तो अलग बात थी, लेकिन मैंने ऐसे फालतू में
नहीं लिया बिकॉज ऑलरेडी काफी रखा था, बट शर्ट्स बहुत अच्छी हैं, फॉर्मल शर्ट्स भी हैं, कैजुअल शर्ट्स भी हैं, ट्राउजर्स बहुत अच्छी हैं, ब्लेजर्स आपको मिल रहे हैं बिकॉज इस सीजन में आपको ब्लेजर्स शायद H&M और ज़ारा में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सरोजनी में बहुत अच्छे ब्लेजर्स मिल रहे हैं, समर वाले ब्लेजर्स भी मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। अगर आप ऑफिस वेयर के लिए कुछ देख रहे हो ना तो सरोजनी आप डेफिनेटली जाओ, आपको बजट में बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। सो मुझे एक लाइट कलर की ट्राउजर चाहिए थी, मुझे व्हाइट चाहिए थी, लेकिन मुझे पूरी मार्केट में व्हाइट नहीं मिला। व्हाइट ट्राउजर सरोजनी में ढूंढना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज या तो उसमें डिफेक्ट होगा या फिर उसमें दाग लगा होगा या फिर पता नहीं वो गंदी हो गई। मुझे एक या दो पसंद आई थी बट अगेन उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट निकला एंड देन आई वॉज नॉट श्योर कि घर जाके वॉश करने पर भी वो साफ हुआ नहीं हुआ, तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया। सो मुझे ये ट्राउजर पसंद आई 100 rupees वाले स्टॉल से। सो यहाँ पे ऐसे बेल्ट जैसा कुछ बना हुआ है, जैसे पूरी जॉइंट है लेकिन लगती ऐसी है दूर से कि बेल्ट लगी हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक बकल है, पीछे इलास्टिक है। आई ऑलवेज प्रेफर पैंट जिसमें ऐसे पीछे इलास्टिक होती है बिकॉज आई हैव ब्लोटिंग इशू। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग इशू है, पेट अंदर बाहर या फिर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, तो आई वुड से हमेशा ट्राउजर ऐसी लो जिसमें पीछे इलास्टिक हो, अदरवाइज नहीं पहन पाओगे। सो यार दिस इज लाइक अ वेरी रेगुलर ट्राउजर, फॉर्मल ट्राउजर है, लाइट कलर की है, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है, दिस इज नॉट दैट फ्लिमजी लो क्वालिटी का मटेरियल, बहुत अच्छा इसका मटेरियल है। 100 rupees के हिसाब से मुझे अच्छी लगी। मुझे सिर्फ यहाँ का फिट थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये जो फिट है मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट लेट्स सी, मैं ट्राई करके देखूंगी। अभी तक मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, अगर ट्राई ऑन पार्ट में मुझे कुछ भी गड़बड़ लगती है तो मैं उसी टाइम इंसर्ट कर दूंगी, बट लुक वाइज आप देख सकते हो मेरे पे कैसी लग रही है। अगर ये पार्ट ठीक अच्छे से आया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बिकॉज फॉर 100 rupees दिस इज नॉट अ बैड डील। एंड फाइनली कमिंग टू दीज टू इयरिंग्स जो रैंडमली मुझे दिख गए थे, एक स्टॉल था जो 30 rupees में इयरिंग सेल कर रहे थे, और आजकल ये वाली इयरिंग्स बहुत चल रहे हैं, लाइक आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, बोट आई, आई डोंट नो इसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट ये मैंने क्रिस्टल में लिए हैं। इसके मेटल वर्जन भी मिल रहे थे, लाइक इसमें बहुत सारे प्रिंट थे, इसमें सिल्वर था, इसमें गोल्डन में थे, ब्लैक, ब्लू, जितने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं सारे मिल रहे थे, बट मैंने क्रिस्टल वाले लिए हैं। मतलब है ये प्लास्टिक बेसिकली, लेकिन ये थोड़ी सी क्रिस्टल की लुक देता है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग, या कैन यू सी नाउ। सो इसमें जो भी लाइट पड़ेगी ना एक बहुत अच्छा कलर रिफ्लेक्ट करता है, तो मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा, लाइक जो एंगल से लाइट पड़ती है इसमें एक बहुत अच्छा कलर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट अप आई बॉट दीज ब्लिंगी ब्लिंगी इयरिंग्स, कैन यू सी द ब्लिंग, सामने से लाइट आ रही है, कितने प्रिटी लग रहे हैं, कैन यू बिलीव आई बॉट दीज ब्लिंगी इयरिंग्स फॉर जस्ट 30 rupees। बहुत सुंदर मुझे लगे, बड़ा प्यारा ऐसे स्टोन लगा हुआ है जो बहुत अच्छी ब्लिंग दे रहा है, परफेक्ट फॉर एनी इंडियन लुक और एनी लाइक सेमी इंडो वेस्टर्न लुक यू कैन से। मुझे काफी बार शूट करना होता है तो मैं ऐसे सस्ते सस्ती इयरिंग्स ना यहाँ स्टूडियो में भी रख लेती हूँ, फटाफट से कोई लुक क्रिएट करी इयरिंग्स पहन लिए, अच्छे लगते हैं, लाइक ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक्स पे जाएंगे। सो यार दीज टू इयरिंग्स आर फॉर जस्ट 30 rupees। मैं यहाँ पे वो स्टॉल भी इंसर्ट कर दूंगी, बहुत अच्छी इयरिंग्स है भैया के पास। लंच बॉक्स बैग ये बहुत टाइम से चल रहा है, मेरा काफी मन था लेने का बिकॉज जब भी अमन कहीं वर्क पे जाता है, मीटिंग्स एंड ऑल के लिए जाता है, कुछ ना कुछ हम दे ही देते हैं उसको, मी एंड माय मदर इन लॉ, लाइक कुछ पराठे ले जाओ, या फिर हम भी कहीं काम से जाते हैं, मुझे कहीं इवेंट में जाना होता है, लंबा इवेंट होता है, तो मैं पहले से कुछ ना कुछ पैक करके लेके जाती हूँ। सो ऐसे फ्लिमजी थैलों में ले जाना ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो ये लंच बॉक्स बैग्स आते हैं आजकल ऐसे, ये हर जगह मिलते हैं, लाजपत नगर में देखे थे मैंने, सारी मार्केट्स में देखे हैं। सो फाइनली मैंने सरोजनी से ले लिया, वापस जाते हुए मुझे दिख गया 100 rupees में मिल रहा था, बहुत अच्छे इसमें प्रिंट्स थे, लाइक क्वर्की प्रिंट्स है, गर्ली प्रिंट्स है, लेकिन मैंने एक बेसिक ब्लू कलर लिया है बिकॉज मेरा हस्बैंड ऑब्वियसली गर्ली प्रिंट्स तो लेके जाएगा नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अ लंच बॉक्स बैग, यहाँ पे आप टिश्यूज एंड ऑल डाल सकते हो, ये टिश्यूज के लिए होती है, और अंदर से कुछ इस तरह से होता है, ये बोलते तो हैं कि इंसुलेटेड समथिंग होता है कि इसमें खाना गर्म रहता है, बट आई एम नॉट रियली श्योर कितना गर्म रहेगा बिकॉज लग तो रहे थोड़ा वो फॉइल वाली फील दे रहा है। इट इज़ क्वाइट स्पेशियस, मतलब इसमें आप इजीली अपने 5-6 वो रख सकते हो, जो कांची कटोरियाँ होती है ना, अगर आप प्रॉपर लंच नहीं कैरी करते ना, आपको अलग अलग कुछ ना कुछ एक ग्लास रखना है, एक छोटा ग्लास भी आ जाएगा इसमें, लाइक लस्सी ले जानी है, फिर कोई ड्रिंक लेके जानी है, फ्रूट्स लेके जाने हैं, यहाँ पे टिश्यू पेपर रख दिया, स्पून रख दिया, तो काफ़ी एस्थेटिक लगता है। आई गॉट दिस वन फॉर 100 rupees। कमिंग टू अनदर घरेलू सामान, जब शादी हो जाती है ना तो सरोजनगर से घरेलू वाली सामानों की शॉपिंग भी होती है। सो मुझे काफ़ी टाइम से ये वाले शेकर चाहिए थे, शेकर एज इन क्या कहते हैं इनको, स्प्रिंकलर छिड़कने वाले, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, सो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ग्लास के हैं बाय द वे। कहते हैं स्पाइसेस को अगर कांच में रखो ना तो उनकी लॉन्गिटिविटी अच्छी रहती है, तो एक दो स्पाइसेस मुझे इसमें डालने थे, लाइक दालचीनी पाउडर मुझे डालना है, आई कंज्यूम दालचीनी, लाइक चाय में डाल लिया, फिर गर्म पानी में डाल के आप पी सकते हो, अच्छा होता है हार्मोनल बैलेंस के लिए, PCOD के लिए। मैं यहाँ पे वाला ज्ञान क्यों दे रही हूँ, बट या जस्ट वॉन्ट टेल यू गाइज, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। सो ये कुछ इस तरह से दिखती है, यहाँ पे ऐसे सॉल्ट शेकर इसको बोलते हैं, या सॉल्ट एंड पेपर शेकर
इसको बोलते हैं, याद आ गया मुझे। सो यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है, यू कैन जस्ट ट्विस्ट इट। एक छोटा होल है, एक बड़ा है और एक बिल्कुल बड़ा साइज का है। सो इजीली आप यूज कर सकते हो एंड दिस इज लाइक ग्लास विच इज गुड। और पूरा खोलोगे तो आप इसको रिफिल भी कर सकते हो। ये मैंने लिया है बिल्कुल एंड पे आते आते जूस वाले भैया की एक शॉप थी, उसके जस्ट साइड में एक भैया बैठे थे, काफी फैंसी इनके पास सामान था। एंड विद दिस माई सरोजनी हॉल इज ओवर। ऑल्सो जस्ट इन केस यू आर थिंकिंग, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, अब मैं खुश हूं, ऐसा नहीं है। डिसअपॉइंटिंग मुझे थोड़ा सा लगा क्योंकि मेरा मन था बहुत अच्छी बीच ड्रेसेस लेने का, बिकॉज ऑब्वियसली बीच ट्रिप के लिए लॉन्ग लॉन्ग ऐसी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिली, एक भी पसंद नहीं आई। जितनी मैंने बीच ड्रेसेस देखी ना, या तो कोई डिफेक्ट था या फिर कुछ गड़बड़ थी, स्ट्रैप थोड़े बहुत हिले हुए थे, अच्छे नहीं थे। सो मेरा इस बार लक ड्रेसेस में नहीं चला। मैंने बहुत ड्रेसेस देखी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट अगर आप देना चाहते हो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज ये जो एक्सपोर्ट वाले कपड़े होते हैं इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। एंड काफी जो अच्छी वाली ड्रेसेस थी, जो लग रहा था जो एक्सपोर्ट की नहीं थी, जो फ्रेश पीसेज होते हैं ना, जो ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आजकल चल रही है ज़ारा एच एन एम में लॉन्ग ड्रेसेस चल रही है, मैंने वो पूछी उनके, तो रेट ही वो मतलब 400-450 समथिंग बोल रहे थे। और क्या हुआ, लास्ट वीक मैं जूडियो गई थी। कभी भी सरोज नहीं जाओ ना, उससे पहले जूडियो मत जाना, क्योंकि फिर आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर करोगे कि अरे ये तो जूडियो में भी इतने का मिल रहा है, तो फिर भैया ही बोलते थे कि चलो जूडियो से ही ले लो। दैट वॉज इट फॉर माई सरोजनी नगर हॉल प्लस ज्ञान वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच अदर वीडियोज एज वेल। मैंने बहुत अच्छी अच्छी और भी ज्ञान वर्धक वीडियोज बनाई हुई हैं, वो भी आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो। एंड या दैट इज अ टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।